अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हताफ नाजिम और मेरे चैनल पर मिलती हैं आप लोगों को बहुत सारी प्रोफेशनल क्लासेस। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर देती हूं आप लोगों को बहुत सारी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ और रेमेडी। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्पेशल पॉलिशर सिखा रही हूँ जो मैंने दुबई से सीखा, जो दुबई के पॉलर्स में यूज़ हो रहा था और स्पेशली इंडियन पॉलर्स में, तो इंडियन पॉलिशर भी इसको कह सकते हैं। और इनके जो ट्रिक्स और टिप्स थे ना, बहुत ज़बरदस्त थी। ये पेस्ट जो है उन्होंने एक बना के रखी हुई होती है, वो अपने पॉलिशर में ऐड करते हैं। वो मैजिकल पेस्ट कौन सी है आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताना है। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ले ली है और इसको यूज़ कैसे करना है इस वीडियो में आप लोगों को ये भी पता चलेगा। और तीन इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी। एक दो तो इस पेस्ट में शामिल होंगे जो इन्होंने बना के फ्रिज में रखी होती है, और एक इंग्रेडिएंट जो है वो बनाते वक्त यूज़ किया जाएगा जब आप पॉलिशर बनाएंगे। और वो पॉलिशर ये कैसे बनाते हैं ये भी आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। आप लोगों ने एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि ये स्किन पॉलिश के साथ साथ आपकी स्किन को टाइट भी करेगा। तो बस ये एक पूरा पैकेज है और मुझे ये रिजल्ट्स और ये इनका तरीका जो है ना बहुत पसंद आया था। मैं तो फैन हो गई थी इनके इस तरीके की, तो आपके साथ भी ये तरीका शेयर करूंगी। आप लोग भी ये पेस्ट बना के रख लें और इसी तरीके से पॉलिश करें। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। जी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने लिया है 20 वॉल्यूम और स्किन पॉलिशर पाउडर, कोई भी ले लें। मैंने ये देखें, ये ब्लॉन्डर पाउडर है और 20 वॉल्यूम है। अगर आप क्यूने का लेना चाहते हैं क्यूने का ले लें, अगर आप इसमें ब्लीच ऐड करना चाहते हैं आप ब्लीच भी ऐड कर सकते हैं। मैं गोल्डन ग्लो का पॉलिशर यूज कर रही हूँ, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आप जो आपके पास है वो पॉलिशर यूज करना चाहते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो चलें अब मैं पेस्ट बनाने का आप लोगों को तरीका बताती हूँ। ये पेस्ट जो है आपने बना के फ्रिज में रखना है। वो फ्रिज से निकालती थी, 1 टीस्पून ऐड करती थी पॉलिशर में और बस पॉलिशर बन जाता था उनका। तो जी सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है जी कोई भी क्ले मास्क, इवन मुल्तानी मिट्टी भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो है मैं वो यूज कर रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखा नहीं रही क्योंकि फिर आप लोग इस चीज में गुम हो जाते हैं कि कौन सा यूज करें। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है जी सैंडलवुड पाउडर। 1 टीस्पून मास्क लिया, क्ले मास्क, ठीक है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सैंडलवुड पाउडर ऐड कर लिया। आपको पता है सैंडलवुड पाउडर के, सैंडल के जो रिजल्ट्स हैं वो कूलिंग रिजल्ट होते हैं, कूलिंग इफेक्ट होता है उसका, तो वो यूज करेंगे। और इसकी पेस्ट आपने बनानी है जी अरके गुलाब से, ठीक है। लेकिन रुकें, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी भी अभी आपने देखनी है कि कितनी रखनी है। पहले मैं 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करूंगी और मिक्स करके देखूंगी कि पेस्ट जो है वो ठीक बनती है कि नहीं। ना ज़्यादा पतली करनी है ना ही ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, ठीक है। तो 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करके अब मैं मिक्सिंग करने लगी हूँ। मिक्सिंग करके देखते हैं जी ये एनफ है कि नहीं। अच्छा, उन्होंने बहुत ज़्यादा पेस्ट बना के रखी होती है अपने पास, लेकिन हमने मैं अभी आपको एक फेस का ही बना के दिखाऊंगी क्योंकि मुझे अभी बना के नहीं रखनी थी। देखें क्वान्टिटी मुझे कम लगी रोज वाटर की, तो मैंने इसमें और रोज वाटर ऐड कर दिया, 1/2 टीस्पून तकरीबन और चला गया। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। जब आप इसको एयर टाइट जार में बना के रखेंगे ना, क्योंकि पॉलर्स में तो ये जरूरी होता है ना, और जो पॉलर्स वाली है ना वो ये बना के रख लें क्योंकि ये फुल एक पैकेज है। अगर कोई आपके पास ब्लीच करने आए ना तो आप इसको उसमें भी मिक्स करें और एक ही स्टेप में आप सारा कुछ कर लेंगी। यानी इसमें आप देखें कि ये सैंडलवुड पाउडर भी ऐड हो गया, इसमें मास्क भी ऐड हो गया जो आपको ब्लीचिंग इफेक्ट देने के साथ साथ आपकी स्किन को टाइट भी करेगा ये पॉलिशर, ठीक है। और इसमें रोज वाटर भी डल गया, तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको ये बहुत सूट करने वाली है। अब ये क्रीम बन गई, इस क्रीम को आप बना के स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये वो क्रीम है जो दुबई में इंडियन पार्लर्स में यूज हो रही है, और ये उन्होंने मुझे कोई आसानी से बता नहीं दी, बस हिंट्स ही दिए थे। इसके अलावा जी मैंने जब प्रोडक्ट को पकड़ा तो मुझे समझ आ गई कि इसमें क्या क्या ऐड हुआ हुआ है, और उसके बाद जब ड्राई हो गया मेरे फेस पे और कूलिंग इफेक्ट थे इसके, तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं जज कर ली, सूंघ के भी जज कर लिया मैंने। अब मैं पॉलिशर बनाने लगी हूँ जी। इसमें ब्लॉन्डर ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून, और मुझे एक फेस के लिए इतना ही चाहिए होता है। और अगर आपने इससे ज़्यादा ऐड करना है तो बस आप उससे ज़्यादा कर लें, लेकिन फिर 20 वॉल्यूम की क्वान्टिटी उससे डबल लेनी है, ठीक है ना। तो अब डबल क्वांटिटी में मैं इसमें ऐड करूंगी जी 20 वॉल्यूम। और आप लोगों को मैं पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ कि पाउडर जो है वो 1 पोर्शन होता है और 2 पोर्शन होते हैं जी 20 वॉल्यूम के। तो ये दो चीज़ें डाल देनी है। अब एक इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट रहता है, वो मैं आप लोगों को अभी बाद में बताती हूँ, पहले इसकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेते हैं। अब वो करते क्या है कि वो सिर्फ वॉल्यूम को और पाउडर को मिक्स करते हैं और उसमें ये पेस्ट ऐड करते हैं और फेस पे लगा देते हैं। और एक उनका बहुत सीक्रेट प्रोसेस है जो वो पॉलिशर लगाने से पहले करते हैं, जिससे आपकी स्किन
बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है। और इसके साथ साथ सेंसिटिव स्किन वाले इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये टिप जो है बहुत काम करने वाली है आप लोगों के लिए। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को थर्ड इंग्रेडिएंट दिखा रही हूँ, जो है जी आप इसको सूदिंग लोशन समझ लें, या फिर आप इसको क्लींजर समझ लें, या डबल एक्शन क्लींजर समझ लें। तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये है कि पॉलिशर करने की वजह से जो ड्राइनेस आ जाती है ना स्किन पे, वो ख़त्म हो जाएगी। तो देखें, ड्राइनेस भी ख़त्म हो गई, स्किन टाइट भी हो गई, बाल भी ब्लीच हो जाएंगे, स्किन भी ब्लीच हो जाएगी, स्किन पॉलिश हो जाएगी। तो आपको और क्या चाहिए। लें जी मैजिकल इंग्रेडिएंट जो है वो, अब लास्ट वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली इंग्रेडिएंट नहीं है, ये है जी, इससे हमने करना है मसाज। ये पेट्रोलियम जेली है, वेजलिन जो आपके घर में नॉर्मल होती है, वो करती क्या है, सिर्फ ये पॉलिशर बनाया और उसके बाद जी वो वेजलिन के साथ पूरे फेस पे मसाज करती हैं, ठीक है ना। और मसाज बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट बस मसाज किया और हल्का सा ही बस मसाज करती हैं हल्के हाथों से, तो वेजलिन की एक लेयर भी आ जाती है। वेजलिन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देती है, और वेजलिन की जो लेयर है वो आपके लिए प्रोटेक्शन लेयर का काम करेगी, और जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए बहुत गुड है। यानी अगर आपको रैशेज होते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है ब्लीच से, तो वो फिर हार्मफुल नहीं रहेगी आपके लिए ब्लीच। तो अब ये मैंने जो पॉलिशर बनाया था, उस पॉलिशर की मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। अच्छा, पॉलिशर की एप्लीकेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और मज़े की बात ये थी, वेजलिन की इतनी थिक लेयर के बाद भी, यानी अच्छी कि आपके हाथ से फील हो रही है चिकनाई, तो इतनी लेयर लेने के बाद भी आपकी जो ब्लीच है वो आपके फेस पे काम करती है। तो मैं आपको इसको अप्लाई करके इसके आफ्टर रिजल्ट भी दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो आपने 15 से 20 मिनट इसको लगाना है, ये ड्राई हो जाएगी जैसे मास्क ड्राई होता है, ठीक है। मास्क भी आ गया, इसमें मॉइस्चराइज भी आ गई, इसमें मसाज भी आ गया, और एक ही प्रोसेस में ये डबल ट्रिपल रिजल्ट आप हासिल कर लेंगे। तो वहां पे अगर आप ब्लीच करवाने जाएं ना, तो इस तरीके से बस वो ब्लीच कर देते हैं, और एक ही स्टेप में आपका जो स्किन है वो ग्लो करने लग जाती है, अभी आप देखिएगा। तो जी 15 मिनट हो गए हैं लगाए हुए, ड्राई हो गया है, बस मैं अब इसको वॉश करने जा रही हूँ। वॉश करके फिर आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे, और ट्राई करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये प्रोसेस कैसा लगा। ये जी आफ्टर रिजल्ट है वॉश करने के बाद। अब जिस हाथ पे मैंने नहीं लगाई भी, वो हाथ भी आपके सामने है, और जिस हाथ पे मैंने लगाई है वो भी आपके सामने है। और जब आप इसको फेस पे ट्राई करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट्स और भी अच्छे मिलने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास जाए, और पैसे खर्च करने के बजाय घर में ही अपने ये सारे काम करें, ताकि आपको मेरा भी कोई फ़ायदा हो, ठीक है। तो आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ही मैं यहाँ चैनल पर आई हुई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।